अब ये देखिए कि पाकिस्तान बनने से पहले करनाल में खान लियाकत अली ख़ान का जो मकान था उसके बैकग्राउंड में हमारे वाजिद साहब का क्वार्टर था। अब जो बैकग्राउंड पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का था वही बैकग्राउंड हमारा हुआ। तो वज़ीर आज़म बनने के लिए यह बैकग्राउंड काफ़ी है। मैं आंगन की बात नहीं कर रहा हूँ, बैकग्राउंड से मेरी मुराद थी कोई सियासी बैकग्राउंड। चलो 20 साल हमने बैंक में मुलाजमत की और वजीर आजम बनने के लिए बैकग्राउंड काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं है, नहीं है। चलो पाकिस्तान बनने के बाद हमारे वालिद साहब जो है इत्तफाक से लोहे के सरिये बेचते थे। अब दो वजीर आजम बनने के लिए बैकग्राउंड काफ़ी है। बिल्कुल नहीं है, नहीं है। चलो मेरे वालिद साहब का नाम नाजिमुद्दीन था और नाजिमुद्दीन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल नज़ीर, लेकिन लोग मुझे प्यार से ए नज़ीर कह के पुकारते हैं। अबे जब बे नज़ीर वज़ीर आज़म हो सकती है तो ए नज़ीर क्यों नहीं हो सकती? जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं उनको सुनकर मुझे यूँ लगता है कि जैसे आप वज़ीर आज़म के अहदे के लिए फ़िट हैं और आइंदा शायद हो भी जाएं कभी वज़ीर आज़म। पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। अरे मियाँ, मगर ये उम्मीद तो आइंदा 10 साल के लिए कुड्डे लाइन लग गई। मैं नहीं समझा भाई। 2008 से लेकर 2013 तक वज़ीर आज़म होंगी बेनज़ीर भुट्टो और 2013 से 2018 तक वज़ीर आज़म होंगे नवाज शरीफ। तो 10 साल इंतज़ार कर ले। क्या कहा तुमने? 10 साल इंतज़ार कर ले। प्राइवेट चैनल पर थप्पड़ मारने की इजाज़त है या नहीं? नहीं। क्यों कह रहा हूँ 10 साल इंतज़ार कर ले? मेरी उम्र है 70। 10 का मतलब ये 80 साल। भाई ये कोई हिंदुस्तान नहीं है कि यहाँ पर वज़ीर आज़म 80 का हो। वज़ीर आज़म अचानक नहीं बन सकता। अरे जब अचानक सदर बन सकता है यहाँ पर तो वज़ीर आज़म भी बन सकता है। वज़ीर आज़म बनने के लिए चौधरी शुजात के घुटने दबाने पड़ते हैं। एंड आई एम रेडी। आप 1 2 3 कह के देखें। कोई और बात करें आप। अगले 5 साल के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म, उसके अगले 5 साल के लिए मोहतरम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, शिक के आइन से याद रखना, हमारे पाकिस्तान की शिक के आइन से, आइन की शिक से। मैंने क्या कहा? शिक के आइन से। अरे तो इतना गलत भी नहीं कहा है मैंने। पाकिस्तान के आइन में एक शिक है कि कोई 3 मरतबा वज़ीर आज़म नहीं रह सकता, जबकि 2 मरतबा निकाला भी गया हो। देखो वालदा की ख्वाहिश का मेरे एहतराम करो और कोई चक्कर चलाओ और मुझे वज़ीर आज़म बनवा दो। बोलो ना, फूटो मुंह से चुप क्यों लग गई है? कसूर आपकी वालदा की ख्वाहिश का नहीं है। ओके। कसूर है आपके वालिद की ख्वाहिश का, जो आज मेरे प्रोग्राम में आप यहाँ मौजूद हैं। अगर मैं कभी वज़ीर आज़म बन गया ना, फिर जो सफ़ेद बालों वालों के साथ मैं जो करूँगा ना तुम्हें पता लग जाएगा। छोड़े इस क़िस्से को। पाकिस्तान में कोई भी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। ये आइन में नहीं लिखा है। क्या? ये आइन में नहीं लिखा है। आइन में नहीं लिखा है? नहीं। आर्टिकल 1, 2, 3, 42C में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में कोई तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, और अगर फिर भी कौम ने उसको वज़ीर आज़म बनाया तो सुप्रीम कोर्ट पूरी कौम को 15 साल की सज़ा देगी। सोचो, 15 साल के लिए पूरी कौम अंदर हो जाएगी। ये शिक आइन में नहीं है। नहीं थी, मैंने बकलम खुद इसमें तरमीम की है। आप आइन में तरमीम कैसे कर सकते हैं? चलब जमहूरियत है, हर कोई तरमीम कर सकता है आइन में। आप इस वक्त 70 के हैं। मैं इस वक्त सिर्फ एक कहूँ, हमीदा का। अगर वज़ीर आज़म बन गया तो फिर नहीं कह सकता। आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। देखो, अम्मा की ख्वाहिश और हमारा शौक। आप बच्चों की तरह बात कर रहे हैं। अरे अब तक जितना वज़ीर आज़म आए वो भी बच्चों की तरह बात करते थे। वो सब देखते हुए हमें अंदाज़ा होता है कि हम एक दिन हमारी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। 10 बरस के लिए ख्वाहिश भूल जाए। अगले 5 साल मोहतरमा, उसके बाद 5 साल के लिए मोहतरम नवाज शरीफ। अबे वज़ारत उज़्मा की कुर्सी कोई कुल के चने नहीं है जो आपस में बांट लिए कि 5 तुम्हारे 5 मेरे इलेक्शन हुए नहीं है, पता नहीं है कौन सी पार्टी जीतेगी, आपस में 5-5 साल बांट लिया। आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? इलेक्शन कोई कुर्बानी की गाय नहीं है। क्या मतलब है हिस्सा लेंगे? बैंक में काम करते थे आप? हाँ बिल्कुल करते थे। क्या थे? बैंकर। जाहिर है वो तो थे, किस पोजीशन पर थे? अबे कैशियर थे। तो फिर खुद को बैंकर तो ना कहे तो क्यों? क्या कैशियर की 4 टांगे होती हैं? क्या काम है कैशियर का? आप मेरी बात नहीं समझ। कैशियर का काम क्या है? नोट गिनना। नोट गिनना। और अब तक जो वजीर आजम आए वो उन्होंने क्या किया? आप इश्तेहार क्यों देखे? बात करो, बात करो। आप इश्तेहार नहीं, इश्तेहार नहीं देखने दूंगा, बात करो। आप इश्तेहार देखिए। किसे का है? आप बताएं मैं आपसे क्या बात करूं? मुझसे मेरे बारे में बात करो। मैं आपको नहीं जानता। नवाज शरीफ को जानते हो? नहीं। बेनजीर को जानते हो? नहीं। शौकत अजीज को जानते हो? नहीं। अबे तो फिर हर प्रोग्राम में इन तीनों का जिक्र बार बार क्यों करते हो? मोहतरमा 2 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुकी है। नवाज शरीफ साहब 2 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके, शौकत अजीज साहब वज़ीर आज़म हैं और मैं होने वाला हूँ। मेरे बारे में भी तुम्हें मालूमात होनी चाहिए। आपने अभी तक इस मुल्क में कुछ किया? अबे क्या मतलब है कुछ किया? ये मुल्क है, कोई गुसल खाना नहीं है। क्या मतलब है कुछ किया? आप मेरी बात समझ गए? जवाब नहीं देना चाह रहे? हमारे मुझे मौका नहीं मिला, मुझे मौका मिले, एक दफ़ा मुझे मौका दे दो, देखो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। आप वजीर आजम नहीं बन सकते। मैं देख लेना बनूंगा। माँ की दुआ कभी रायगा नहीं जाती है, तुम देखना एक ना एक दिन मैं इस मुल्क का वजीर आजम बनूंगा। आपके वालिद आपके बारे में क्या कहते हैं? वो तो कहते थे कि मैं निकम्मा और निकम्मा रहूंगा। चलिए आपके वालिद की दुआ तो कबूल हुई। इसका मतलब है तुम ये कह रहे हो कि मैं निकम्मा हूँ? मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बयान की वजाहत आप खुद कर रहे हैं। अच्छा, चलिए आप वजीर आजम बन गए क्या करेंगे? आप? मैं वजीर आजम बन गया तो सबसे पहले सरकारी खर्च पे उमरा करूंगा। सरकारी खर्च पे क्यों? अबे अपनी अपनी खर्च पे तो हम सदर नहीं जा सकते। उमरा करने के बाद आप क्या करेंगे? उमरा करने के बाद मैं वहीं रहूंगा। क्यों? इसलिए कि मुझे निकाल दिया जाएगा, फिर मैं वापस वतन आऊं, फिर यहाँ से वापस जाऊं। इससे बेहतर है इन चक्करबाजियों से बचो, वहीं रहो परमानेंट। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। झूठे, दिन में तो तुम मुझे बुरा भला कह रहे हो और ऊपर से कह रहे हो मिलके खुशी। आपसे मिलके बहुत ये मुनाफिकत है, मुनाफिकत। सीधी बात करो, बोलो कि तुम्हें मुझसे मिलके खुशी नहीं हुई है। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। तुमने मुझसे बदतमीजी की है दरमियान में। अगर मैं वजीर आजम हो गया तो याद रखना, यही हाथ तुम याद रखना। चले, अगर आप वज़ीर आज़म बन गए तो खैर मुल्क की, और अगर आप वज़ीर आज़म नहीं बने तो आपको मुल्क से गरारा पहन के जाना चाहिए। गरारा ही क्यों? गरारा क्यों?